महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बीती रात एक निजी ट्रेवल बस हादसे का शिकार हो गई। यात्रियों को लेकर रायपुर से ये बस हैदराबाद की ओर जा रही थी। बीती रात करीब 12 बजे मूल शहर के पास बस हादसे का शिकार हो गई। बस में करीब 45 यात्री उस वक्त सवार थे। बस में सवार सभी यात्रियों को मामूली सी चोटें आई है। रायपुर से निकली ये बस टाइगर कंपनी की स्लीपर कोच बस है। बस का हादसा होते ही स्थानीय लोगों ने बस के कांच फोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। यात्रियों ने बताया कि चालक सही तरीके से बस नहीं चला रहा था। ब्रेकर पर भी बस की रफ्तार तेज होने से बस उछल रही थी, फिर अचानक बस सड़क किनारे खेत में घुस गई और पलट गई। ट्रैवल चालक की लापरवाही से हुई इस घटना में यात्री बाल बाल बच गए और बड़ा हादसा टल गया। समृद्धि महामार्ग पर विदर्भ ट्रैवल्स की दुर्घटना जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। आम्ही कंपनी मध्ये सुरक्षा कर्मी आहोत, तरी आम्हाला मनीष रक्षणवार साहेबांनी फोन करून सांगितले की चिमडा येथे ॲक्सिडेंट झालाय म्हणून, तरी आम्ही ताबडतोब घटनास्थळी पोहोचलो आणि गाडीमध्ये प्रवासी 40 ते 45 लोक होते, त्यांना बाहेर काढलो, काच वगैरे फोडून आणि तिथे पोलीसवाले वगैरे आले, नंतर आम्ही चालले। NBC न्यूज के लिए चंद्रपुर से सुनील ताडे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।